animal sostenible. Ya ni analizarlas desde ese personal. ये भी बताया गया था कि आदमी एक एक बुराई को अपने सामने रखे और अपने श्रेयों से अपने मशायख से उसका इलाज कराए, तमाम बुराइयों से बचने के लिए और तमाम खैर को अंजाम देने के लिए दो चीज हैं, एक है हिम्मत और एक है सुस्ती। सुस्ती की वजह से आदमी छोटे छोटे खैर से भी मालूम हो जाता है और हिम्मत से बड़े बड़े काम को आसानी से तय कर लेता है। हकीम फरमाते हैं कि जब इंसान के दिल में कोई नेकी का ख्याल आए, करने के एतबार से बहुत छोटी हो, आसान ख्याल आए, तो उसको तो दो चीजें होती है, एक सुस्ती और एक हिम्मत। तो उस छोटे से आमल को सुस्ती की वजह से छोड़ नहीं देना चाहिए बल्कि हिम्मत करके उसको कर लेना चाहिए। इसी तरीके से किसी आदमी के दिल में कोई बुराई का कोई गुनाह का इरादा हो तो गुनाह के इरादे पर हिम्मत करके उसको छोड़ देना चाहिए, सुस्ती करके उसमें कमी नहीं करनी चाहिए, यानी सुस्ती करके उस काम में मुबतला हो जाए, इससे अच्छा ये कि हिम्मत करके उस काम को छोड़ दे। और मेरे भाई हिम्मत इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है कि कागज शानू ने इंसान को जितने कामों के करने का और जितने कामों से रुकने का हुक्म फरमाया है। हिम्मत ऐसी चीज है कि उस काम को करना और उस काम के उससे रुकना उसके लिए आसान हो जाता है। इससे बहुत बड़ी जरूरत हिम्मत की है। देखो एक आदमी है, एक औरत है, उसका एक दूध पीता बच्चा है। इंसान का जो नफ्स है वो नफ्स की मिसाल दूध पीते बच्चे की है। दूध पीता बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है और उसके दांत निकलने लगते हैं, वो बच्चा कभी ये नहीं चाहता कि माँ जो दूध पिलाती है वो दूध पिलाना छोड़ दे। लेकिन बच्चा जब उम्र के हद तक पहुंचता है तो इसके बाद माँ धीरे धीरे उस बच्चे के दूध को छुड़ाती है। बच्चा चाहता है कि दूध न छोड़े और माँ चाहती है कि दूध पीना छोड़ दे, इसलिए कि अब खाने का जमाना आने वाला है। तो देखो नफ्स का भी तकाजा ये है, नफ्स चाहता है कि गुनाहों को न छोड़े, गुनाहों को करता चला जाए, करता चला जाए। अगर कोई माँ हिम्मत हार दे, उसने ये सोचा कि मेरा बच्चा एक आरसे से दूध पी रहा है 12-15-20 महीने से, तो इसका दूध छुड़ाओ, उसने दूध छुड़ाने का इरादा किया और दूध छुड़ाने की शक्ल अख्तियार की, लेकिन देखा कि बच्चा बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, वाले की कोई चीज खाता पीता नहीं है, वाले का दूध नहीं पीता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद माँ के दिल में दो चीज आती है, या तो सुस्ती या हिम्मत। अगर वो सुस्ती करे और सुस्ती की वजह से कहे कि छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, अगर दूध छुड़ा दिया तो वो दूध नहीं पिएगा, कोई बाहर की नजर नहीं खाएगा, रात भर रोएगा, खुद भी नहीं सोएगा, हमें भी नहीं सोने देगा, और वहां सुस्ती करता और दूध पिला देगा। तो मेरे आजीज भाइयों, ये बच्चा दूध पीते पीते जवान हो जाएगा लेकिन दूध पीने की आदत नहीं छोड़ेगी, लेकिन उस वक्त माँ सुस्ती नहीं करती है, माँ हिम्मत करती है। और हिम्मत क्या करती है? हिम्मत ये करती है कि हर तरीके से बच्चे के रोने को, बच्चे के जागने को, बच्चे के दूध के अलावा दूसरी चीज न पीने को, खुद के जागने को सब कुछ बर्दाश्त करती है और बहुत ज्यादा जतन और कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से वो दूध छुड़ा दे। पहले भी बहुत ज्यादा मुश्किल बर्दाश्त करती है, दूसरे दिन उसके मुकाबले में कम, फिर उसके मुकाबले में कम, यहाँ से 15-20 दिन महीना गुजरता है और बच्चा धीरे धीरे आहिस्ता से मशक्कत के साथ ही सही दूध को छोड़ देता है।
देखो माँ की सुस्ती है तो बच्चे का बुद्धिमान मुश्किल है, और माँ की हिम्मत है और माँ थोड़ी सुस्त बन जाती है, थोड़ी हिम्मत कर लेती है, थोड़ी तकलीफें उठा लेती है, बच्चा उठ भी जाता है, माँ बाप को भी जगाता है, रात को न सोता है, सुला सोने देता है, माँ ये सारी चीजें बर्दाश्त करती है। तो 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद बच्चा दूध पीना छोड़ देता है और बाकी का दूध और बाकी की लीलाएं रहने लगता है। यही हाल हमारे नफ्स की है कि नफ्स को बुराई की लत पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है, उसके बगैर उसको चैन नहीं आता है। अब जिस तरीके से माँ मेहनत मशक्कत करके इस दूध को चुराती है, हमें भी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी और नफ्स के खिलाफ कुछ न कुछ मुजाहदा करना पड़ेगा और नफ्स के तकाजों को दबाना पड़ेगा और उसके खिलाफ जो मशक्कत है उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर ये मेहनत हिम्मत करके ये काम करेगा तो एक वक्त आएगा महीने के बाद 2 महीने के बाद कि नफ्स ढीला पड़ जाएगा, नफ्स कमजोर पड़ जाएगा और उसके लिए पहला पेशा काम को छोड़ना और शरीर के मुताबिक काम को करना आसान पड़ जाएगा। हुआ हर नेकी को करने के लिए और हर बुराई से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज है हिम्मत। इसी के आप देखते हैं जो बच्चा दूध पीता है, इसके बाद ये बच्चा गोद में लिया जाता है, इसके बाद ये बच्चा जमीन पर रेंगने लगता है, हाथ पैर से फिसलने लगता है, चलने लगता है, फिर धीरे धीरे उसकी नशोनुमा होती है, वो बढ़ता है, वो बड़ा होता है, यहाँ तक कि वो बच्चा बैठने लगता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होने लगता है। लेकिन आप देखते हैं बच्चा जब बैठने के बाद खड़ा होना शुरू होता है एकदम से वो खड़ा नहीं होता है, वो खड़े होने की कोशिश करता है, उसके सारे घरवाले उसका साथ देते हैं, फिर भी क्या होता है कभी खड़े होते होते गिर जाता है। लेकिन अगर खड़े 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 होते हुए गिर गया तो माँ बाप हिम्मत हारते नहीं है, बच्चा भी हिम्मत हारता नहीं है। पहले अगर एक आदमी सहारा देता था तो अब 2 आदमी सहारा देते हैं, पहले एक हाथ से सहारा देते थे तो अब 2 हाथ से सहारा देते थे, यहाँ तक कि उसको धीरे धीरे उठा दे। अब वो खड़ा होने लगा, खड़े होने के बाद मरहला आता है, वो चलने लगता है, तो चलने में भी एक होता है बच्चा इरादा करता है चलने का, घर वाले भी इरादा करते हैं चलने का। जब बच्चा खड़ा होता है तो उसके हाथ को पकड़ा जाता है, दोनों हाथ को पकड़ा जाता है, उसके बदन को संभाला जाता है और इसके बाद उसको चलाते हैं। एक कदम चलता है माँ बाप खुश होते हैं, 2 कदम चलता है और ज्यादा खुश होते हैं, जितना चलता है ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन आप देखते हैं बच्चा चलते चलते गिर जाता है, कभी ऐसा होता है 5 कदम चलना है तो 2 कदम पर गिरता है, 2 कदम पर गिरता है, यानी 5 कदम में 3 मरतबा गिर जाता है। लेकिन इस गिरने पर न माँ बाप हिम्मत हारते हैं, न बच्चे की हिम्मत को पस्त करते हैं, बच्चे के हौसले को बढ़ाते हैं, बच्चे को सहारा देता है, बच्चे के चलने पर उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसके लिए अच्छे जुमले कहते हैं ताकि क्या हुआ आज 5 कदम चलने में 3 मरतबा गिरा है, कल 5 कदम करने में 2 मरतबा गिरेगा, फिर 5 कदम करने में 1 मरतबा गिरेगा। फिर इस तरह होगा कि पहले पूरा गिरता था आधा गिरने लगा, लेकिन इस गिरने की वजह से, इस आधा गिरने की वजह से, बार बार गिरने की वजह से माँ बाप की हिम्मत नहीं हारी, माँ बाप उसको हौसला देते रहे और उसको चलाते रहे चलाते रहे। क्या हुआ थोड़े दिन के बाद ये बच्चा अकेले अकेले चलने लगता है, फिर इसके बाद दौड़ने का बहाना आता है, वीक ही होता है, माँ बाप दूर से बैठते हैं उसको बुलाते हैं, अब वो गिर चलता है, तेजी से चलने लगता है, जैसे ही गिरने का मौका आता है हाथ हाथ माँ बाप हाथ बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद उसको बॉल पकड़ लेते हैं, गिरने से बचाते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें वो गिर जाता है, वो गिर भी गया, उसको चोट भी आई, रोना भी आया, लेकिन माँ बाप ने हिम्मत नहीं छोड़ी है, माँ बाप ये जानते हैं कि इसी तरह गिरते पड़ते वो खड़ा होना सीखेगा और खड़े होते हुए चलना सीखेगा और चलते हुए दौड़ना सीखेगा। मेरे भाई अगर कोई माँ बाप ये समझे कि मेरा बच्चा है बहुत प्यारा है, बहुत अरसे के बाद ये नियामत मिली है, अगर वो नहीं खड़ा होता है तो उसको छोड़ दिया जाए, तो ऐसा सोचता है? नहीं सोचता, बल्कि हर माँ बाप ये चाहता है कि पहले सोने की ताकत थी, बैठने की ताकत है, उसको खड़ा दिया जाए, खड़े होने की
हमारे साथ जो नफ्स है उस नफ्स का अर्थ यही है। अगर हमने उसको उसकी राह पर छोड़ दिया तो कभी किसी की राह पर आने वाला नहीं है, लेकिन हमने उसकी राह को छोड़कर सीधी राह की तरफ उसको मोड़ा तो सीधी राह पर मोड़ने की वजह से बार बार मोड़ते चले जाएंगे, बार बार मोड़ते चले जाएंगे तो गलत रास्ते की ताकत कुवत तो रहेगी लेकिन उस कुवत में कमजोरी आएगी और सीधे रास्ते की तरफ चलने की ताकत बढ़ेगी, यहाँ तक कि गलत रास्ते को छोड़ेगा और सीधे रास्ते की तरफ बढ़ेगा। इंसान को हर अच्छाई को करने के लिए और हर बुराई को छोड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज हिम्मत और इरादा है। आदमी इरादा करे और इरादा करने के बाद हिम्मत करे। देखो हम गुनाहों के आवरण में हैं, चारों तरफ से हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। अब अगर कितना ख्याल आता है कि हम गुनाहों को छोड़े तो नफ्स और शैतान के कहते कितने गुनाह को छोड़ेगा, हजारों गुनाहों में जो डूबा हुआ है, एक से छोड़ेगा तो 999 मौजूद है, दो छोड़ेगा तो 298 मौजूद है, तीन 998 मौजूद है तो कितने को छोड़ेगा। आदमी इस तरीके से नफ्स और शैतान ख्याला पैदा करते आदमी की हिम्मत को तोड़ देता है, आदमी की हिम्मत को बस कर देता है और आदमी आगे बढ़ने नहीं चाहता। लेकिन अगर उसके दिल में ख्याल आया कि बात यात्रा में सारा गुनाह में मुबतला हूँ लेकिन अल्लाह का बंदा हूँ और मेरा खुदा मेरे गुनाह से नाराज है और मेरा खुदा मेरी नेकियों से खुश है, चलो हजार गुनाह ही सही, हजार में से एक से कम करो, आज एक कम किया, दो दिन के बाद एक कम किया, दो दिन के बाद एक कम किया, एक वक्त आएगा कि दो चार गुनाह रहेंगे सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। अगर आदमी हिम्मत करे इरादा करे एक एक गुनाह को इस तरह छोड़े तो इंशाल्लाह उसकी जिंदगी से गुनाह छूटते चले जाएंगे, नेकियों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। शर्त यह है कि पुख्ता इरादा हो और पुख्ता इरादे के बाद हिम्मत हो, हिम्मत को कभी हारना नहीं चाहिए। और ये ख्याल रखना चाहिए अगर शैतान ये ख्याल दिल में डाले कि तेरी उम्र ही क्या है, हजारों गुनाहों में तू डूबा हुआ है, तेरी उम्र ही क्या है, तूने अगर रोजाना एक गुना छोड़ा तो 300-400 गुना छोड़ेगा तू तो बढ़ जाएगा। मेरे भाई आप जब कोई आदमी खैर की तरफ चलने का इरादा करता है तो खैर की तरफ चलना शुरू कर देता है, फिर थोड़ा चलना उसके बाद में बहुत क्या है, यानी आदमी एक गुना छोड़ता है, दो गुना छोड़ता है, तीन गुना छोड़ता है, इरादा है कि हजारों को छोड़ूंगा, अगर हजार नहीं छोड़ने पाया तो उसका इंतजाम हो गया, अल्लाह के वहां बख्शा बख्शाया समझा जाएगा और अल्लाह के वहां उदेकोकार में समझा जाएगा। शर्त ये है कि बहुत सारे गुनाहों को देखकर हिम्मत ना हारे कि भाई हम तो बहुत सारे गुनाहों में डूबे हुए हैं, गुनाहों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोखा है, इस धोखे ने हमें बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा एक काम की बात और है, पहले भी बताया था कि दाढ़ी और बाकी दोनों गुनाहों को छोड़ना जरूरी है। इसमें एक बात का खास ख्याल है, आदमी मशहूर होता है लेकिन इसके साथ इस चीज की फिक्र नहीं करता कि मैं दाढ़ी गुनाहों को छोड़ू, बाकी गुनाहों को छोड़ू। मुफ्ती आलम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने बहुत अच्छी बात ताकीद करवाई, फरमाते हैं कि देखो कोई आदमी गुनाहों को छोड़ने का इरादा नहीं करता और किक्र अज़्कार तिलावत इबादत बहुत ज्यादा करता है, हो सकता है कि ये तिलावत और इबादत उसके लिए किबला का सबब बनता है, उसकी बुराइयों की बढ़ोतरी का सबब बनता है। और बड़ी अच्छी मिसाल से उन्होंने बात को समझाया, वो आदमी है वो गुनहगार है और उसको एक ख्याल है कि मैं गुनहगार हूँ, वो ज्यादा नवाब नहीं पढ़ता है, ज्यादा तिलावत नहीं करता है, ज्यादा नहीं करता है, उसको इस बात का तो ख्याल है कि मैं आदमी है जिसको बहुत एहतमाम है, बहुत ज्यादा एहतमाम है, मैं मेरे मामला में तिलावत रोजा नहीं करता हूँ, पढ़ता हूँ और यानी अल्लाह जो आमाल करते हैं वो सब करता हूँ,
लेकिन फिक्र नहीं है दाढ़ी और बाती की गुनाहों को छोड़ने की, तो इसके दिल में ख्याल आएगा कि मैं तो वो काम करता हूँ जो बड़े बड़े अब्दुल्ला करते हैं। तो देखो उसके दिल में तो ख्याल ही नहीं क्योंकि आमाल ही नहीं है, लेकिन इसके दिल में आमाल के साथ ये भी है तो और ज्यादा अकड़ाएगा और ज्यादा बिगड़ेगा और ज्यादा की कर उतरा होगा कि मैं तो वो आमाल करता हूँ जो अब्दुल्ला करते हैं, मैं तो वो आमाल करता हूँ जो मशाई करते हैं। وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تدع لنا هما لما غفرت ولا هما لما فرجت ولا كرب لما كشفت ولا مريض لما شفيت ولا ضال لما هديت ولا حاجة لي أبدا لما قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء أخلاق فذللنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. إلهي اغفر لنا ونسقنا ما يجمع قلوبنا كما يجمع قلوبكم وعافكم كما يتقام صدق ذكركم. ہمارے دل کے برکات سے اللہ ہمارے دل کے سنت
आमीन। हमारे दिल को जिंदा नसीब फरमाइए, हमारे दिलों को अपने अनवार बर्दाश्त से मुनव्वर फरमाइए, ऐला कुरान करीम की आफत अता फरमाइए, ऐला कुरान करीम की तिलावत का शौक और शौक अता फरमाइए, ऐला कितने तेरे बंदे हैं सही तक कुरान करीम को हाथ नहीं लगाया है, कितने तेरे बंदे हैं कुरान करीम की तरफ मुतवज्जे हुए हैं, ऐला कुरान करीम दिलों की जिस्मानी रूहानी सब बीमारियों की शिफा है, ऐला हमारे इसको शिफा दानी फरमाइए, हमारे इसको जिंदगी को शिफा बनानी है, ऐला कुरान करीम की आफत हमारे दिलों में डाल दीजिए, ऐला रात और दिन के मुख्तलिफ अवकात में ऐला इसको पढ़ने की इसकी तिलावत की सआदत नसीब फरमाइए, ऐला ऐला हमारे मुआशरे में कितने तेरे बंदे और बंदियां की मार है, ला इलाज और परेशान हाल है, ऐला हर एक की बीमारी हो शिफाए दामे बीमारियों से शिफाए दामे आराधना लाए मुस्लिम आसी पाए, ऐला फर्ज पे मुझे हुए तो फर्ज से निकाल दीजिए, ऐला तेरे जरिए मार के एतबार से तंदुरुस्त है, ऐला अपनी तंदुरुस्ती को दूर फरमा, बेहतरीन जरिए मार की फरमा, ऐला बहुत साल पर मार के दरवाजे खुले हुए हैं, ऐला मालूम की हालात ये हाल है, ऐला बहुत बड़ा सत्ता इसके हराम और मुश्तबा में मुतरा हो चुका है, ऐला आपकी हमारी परेशानियाँ हमसे ज्यादा जानते हैं, ऐला हमारी तमाम जायज मकासिद और जायज हाजत को पूरा फरमाइए, हमारी तमाम जायज जरूरतों को पूरा फरमाइए, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाइए, ऐला परेशानी अंदरूनी हो या बैरूनी हो, आजी हो या दाखिली हो, दाखिली हो या पोशीदा हो, ऐला हर किस्म की परेशानियों से निजात अता फरमाइए, हर किस्म की परेशानियों को दूर फरमाइए, ऐला जिन्होंने दुआ के लिए लिखा, जिन्होंने दुआ के लिए कहा और जो दुआ के मुतवक्किल रहे और जिनके हमारे हुकूक है, ऐला तमाम बंदे और बंदियों की ऐला तमाम हाजत को पूरा फरमाइए, तमाम मकासिद को पूरा फरमाइए, तमाम की ऐला परेशानियों को दूर फरमाइए, ऐला खैर को मुकद्दर फरमाइए, ऐला हमारे दुआ को अपने फज़्ल करम से अपने अस्माए हसना की बरकत से हज़रत अम्बिया व सलाम وصلى الله تعالى على خير خلقه